तीरथ सिंह इंदौर से जुड़ रहे हैं मैं इसका तीरथ जी बताइए क्या सवाल है सर मेरा सवाल ये है कि पेटीएम के मेरे पास 120 शेयर हैं जो मेरी एवरेज प्राइस 1000 बहुत तरह 1072 हाँ तो मेरा सवाल ये कि क्या इसको भी होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए गौरव क्या करें लॉस बुक करें इसमें पेटीएम मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को पेटीएम दिलवाया था और एक एक करके हम न्यूएज कंपनी जो है उसमें हम बाइंग करवा रहे हैं बीस पच्चीस परसेंट के लिए करवा रहे हैं तो चाहे आप जोमेटो ले लीजिए डिलीवरी ले लीजिए तो पेटीएम ले लीजिए पॉलिसी बजा ले लीजिए तो मुझे लग रहा है कि एक एक करके सारे जो कंपनीज है ये आपके अपने लिस्टिंग के बाद की जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड उसको रिवर्स कर रहे हैं तो पेटीएम ने भी किया है यहाँ पे आप बने रह सकते हैं आपका भाव भी एक बार देखने सकता है ऐड मत कीजिए या किसी को और किसी को आप एक होल्ड कर सकते हैं और नजर आ रहे। आपको लग सकता थोड़ा साल भर के लिए बट आपको यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न आपको देखने गौरव किशन गौरव जुड़ गए सरकारी बैंकों में गिरावट है काफी तो ज्यादा कोई जानकारी आपका क्यों गिरावट है तो नीरज जी एक खुलासा जो है पीएसयू बैंक्स ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कॉल पे किया है और इन्वेस्टर्स के मन में अभी एक कंसर्न आया है अगर आपको याद है तो जनवरी 2023 में आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर फ्लोट किया था ईसीएल नॉर्म्स पे या ईसीएल प्रोविजनिंग पे इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पहले क्या होता था जब बैंक का कोई डिफॉल्ट हो जाता है नब्बे दिन तक अगर कोई ग्राहक पैसा नहीं देता है तो उसको डिफॉल्ट कैटेगरी में आप गिनते हैं और उसके बाद प्रोविजनिंग बनती है अब ई जो है प्रूडेंट नॉर्म्स जो ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसके हिसाब से जाना चाहती है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग को पहले से ही करनी होगी इसका मतलब यह है जब जैसे ही आप लोन डिसबर्स करते हैं और जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन सेगमेंट आपको पता है कि साल में एक दो परसेंट ऑफ बुक जो है डिफॉल्ट हो जाती है तो आपको अगर पता है कि भाई ये जो एसेट क्लास ऐसे बिहेव करता है तो उसका आप पहले से ही प्रोविजन करके रखते हैं तो ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग जो है वो फरवरी 2023 में सब बैंक्स वगैरह ने कंसल्टेशन पेपर पे अपने अपने कमेंट दे दिए अब ये जो वापस आ गया हॉन्ड करने के लिए आज की अगर आप मॉर्गन स्टैंडलीएलएससी की नोट देखें से की नोट देखें तो इनका मानना ये है कि ये जैसे ही नियम लागू हो जाते हैं क्योंकि कंसल्टेंट कंसल्टेशन पेपर तो आ गया ऑलरेडी जनवरी दो में जो जैसे ही लागू हो जाएगा वैसे ही प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो सरकारी बैंकों की सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है प्राइवेट बैंक हो बैंक एक्सिस बैंक तो वो प्रूडेंटली प्रोविजनिंग करते हैं उनको इम्पैक्ट कम होगा लेकिन पीएसयू बैंक्स के केस में नेटवर्थ का पांच से बीस परसेंट तक इनको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा इतना बड़ा प्रोविजनिंग नेटवर्थ का जो है लागू हो जाएगा क्योंकि जो ईसीएल नॉर्म्स है जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है लोन बुक का एक से दो परसेंट के बीच में आरबीआई ला सकती है शुरुआती okay. तो अगर आपकी लोन बुक का एक से दो आप अगर प्रोविजन करना शुरू कर दें तो छोटी बैंक की नेटवर्थ का पांच से बीस परसेंट के बीच में हो जाता है इवन सरकारी बड़े बैंकों का भी काफी हो जाता। हाँ, हो जाएगा तो लेकिन लेकिन ब्रोकरेज का मानना यह है कि यहां बैंक ऑफ बरोडा और एसबीआई सबसे वेल पोजिशन है क्योंकि साइज बहुत बड़ी है बैलेंस शीट की प्रोविजनिंग करके रखते हैं ये लोग तो कहीं ना कहीं इन पे इम्पेक्ट सबसे कम होगा लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखिए उनको लगता है कि कैनरा बैंक और पीएनबी और दूसरी छोटी छोटी बैंक जो है इनकी बुक्स पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा इनफैक्ट मॉर्गन सैनले ने आज पीएनबी को डाउनग्रेड किया है टारगेट जो है पचपन रुपये से काट के पचास रुपये कर दिया है और कैनरा बैंक का टारगेट 345 से काट के तीन सौ कर दिया है और इसी ईसीएल नॉर्म्स की वजह से क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ही ये आर लागू कर देगी सबसे ज्यादा जो है प्रोविजनिंग या इम्पैक्ट जो है वो पीएसयू बैंक पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये भी इंपैक्ट आएगा और कंपनियों को इक्विटी भी डाइल्यूट करनी पड़ेगी तो अभी सब बैंक्स बोल रही है मुझे कोई इक्विटी रेज करने की जरूरत नहीं है लेकिन जैसे ही प्रोविजनिंग नीरज जी करने आएगा और इम्पैक्ट आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे आएगा आपकी बैलेंस शीट पे आएगा तो आपको डायल्यूशन का भी खतरा है तो ये ये एक एक ऐसी चीज है जो शायद प्रॉब्लम हाँ तो अभी ये बाजार को लग रहा है कि अभी एनी टाइम ये लागू होगा और शायद इसीलिए ज्यादातर पीएसयू बैंक्स में आप एक जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं आज अभी लागू होने की लेकिन आ, हो अब, परसंट, बाईस परसंट, किसी -किसी बैंक में पच्चीस परसेंट की लोन ग्रोथ है बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत ही स्वाभाविक और एक प्रूडेंट स्टेप है की आप पहले से प्रोविजन कर लीजिए क्योंकि वो एनपीए कहीं ना कहीं किन शुरू हो जाएगा दो चार छह महीने में फिर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे

नॉर्म्स हैं जो आने वाले हैं कब से आएंगे अभी आइडिया नहीं अभी तारीख तय तारी नहीं है लेकिन इसका असर बैंकों में पड़ेगा ख़ासतौर पर छोटे बैंकों पर डेफिनेटली यहाँ पर पड़ता हुआ दिखेगा तो ये है तस्वीर अच्छा इस बीच जो है मार्केट में एक जो रिकवरी आती हुई दिख रही थी वो लगभग वैसी बनी हुई है बैंक में हालांकि थोड़ी सी रिकवरी और प्राइवेट बैंकों में दिखी है और ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट अपने आप को और संभालने की कोशिश करेगा यहाँ पे गौरव पीएनबी में कोई आपका टारगेट बन रहा है क्या अभी देखिये पी एनबी में अगर आप देखते जाए तो मैं जनरली इसको शॉर्ट टर्म इसको अवॉइड करता पेरियड का एक इमीडिएट सपोर्ट है तो अगर सस्टेन होता तो उसके स्टॉप लॉस में स्टॉपर में बाइंग के मौके ढूंढूंगा यहाँ पे मौजूदा थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए मुझे लगता है कि यहाँ से उसके नीचे अगर जाएगा तो एक थोड़ा आपको प्रेशर और देखने देख लेना के लिए सबसे को सस्टेन है यहाँ पे थोड़ा सा एक विशफुल विश्व कर दीजिए लेकिन बाउंस पे आप देखे मिल सकते हैं ओके तो पीएनबी में ये रायमन की देखिए अड़तालीस रुपये पच्चीस पैसे ट्रेड कर रहा है चार परसेंट नीचे है सरकारी बैंकों की गिरावट का एक कारण अभी हम लोगों ने समझने की कोशिश की गौरव रुकी ज़रा एक वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो है वेस्ट लाइफ फूड रादर इसका नाम हो गया है इनकी चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं तीस परसेंट करीब इनका मुनाफा बढ़ा है और आय और मार्जिन में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली कंपनी ने रॉ मटेरियल कॉस्ट को प्रीमियमाइजेशन के थ्रू कन्वर्ट किया है अपने पक्ष में और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एम डी सौरभ कालरा सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नतीजे अच्छे दिख रहे हैं इंटरेस्टिंग ये है कि आपने इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कन्वर्ट कर लिया अपने फेवर में थोड़ा नाम नंबर मुझे एक्सप्लेन करिए कैसे रहे ये आई थिंक बहुत अच्छा ग्रोथ रहा हमारा पूरे साल का अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 36 परसेंट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया 44 परसेंट की हमारी टोटल ग्रोथ आई अगर आप लास्ट क्वार्टर भी देखेंगे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था डबल डिजिट हाई डबल डिजिट पे हमने 14 परसेंट का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिया और 22 परसेंट पे टोटल ग्रोथ करी तो काफी अच्छा लग रहा है हमको एक अच्छा बेस स्टेब्लिश हो गया था लास्ट ईयर भी क्यू फोर में उस बेस के ऊपर भी हमने स्ट्रॉन्ग कॉम्स डिलीवर किए तो काफी अच्छा लग रहा है एक अच्छी जगह पे हम हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो काफी खुश है हम जो रिजल्ट आए इससे ओके okay, ये अच्छा चूंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर को आपने मैनेज किया मुझे ये बताइए कि एक्सपेंशन के तहत कितने नए स्टोर्स आपने खोले इस क्वार्टर के दौरान और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे जाते हुए तो हमने अठारह एड किए एक्चुअली हमारा पूरा पूरे साल का टारगेट था तो फाइनली हमने अपना टारगेट मीट किया और अगर ये 18 रेस्टोरेंट देखेंगे तो काफी अच्छा बेस है जहां हमने साउथ में ओपन किए हैं वेस्ट में मुंबई में ओपन किए हैं और छोटे शहरों में भी ओपन किए तो काफी अच्छा एक ओवरऑल मिक्स था जिसकी हम बात कर रहे थे एक्चुअली हमें लगता है कि हमने ये शोकेस किया कि हम ये कर सकते हैं एक तो अठारह आउट, आउटलेट एक क्वार्टर में डिलीवर कर सकते हैं थर्टी फाइव का नंबर अचीव कर सकते हैं और ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं जिसमें एक एक पर्टिकुलर शहर का जो हमारा संकल्प था वो हमने पूरा किया है सर बड़े शहरों में बहुत कॉम्पिटिशन हो रहा है बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी हैं और जो अपने लोकल एरिया में बहुत डोमिनेंस रखते हैं लेकिन आपका एक्सपेंशन वहां पे हो चुका है क्या फोकस अब टी टू टी थ्री हमारा रीजन वेस्ट और साउथ है तो हम इसी इसी रीजन में स्टोर्स खोलते हैं तो अगर आप देखेंगे बैंगलोर चेन्नई मुंबई पुणे एंड अहमदाबाद ये हमारी की सिटीज हैं और इसके अलावा बाकी बहुत सारे छोटे शहर हैं जहां हम ऑपरेट करते हैं तो हमने जामनगर में भी स्टोर खोला तो अगर मैं देखूंगा तो वेस्ट और साउथ के छोटे शहरों में भी हमने पांच छह स्टोर खोले हैं बाकी दस बारह स्टोर बड़े शहरों से आए सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए अपने एक्सपेंशन प्लान सामने रखने के लिए वापस आते हैं गौरव के पास गौरव ये अच्छा लगता है आपको स्टॉक वेस्ट लाइफ फूड देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है किसी को अगर नजरिया अगर डेढ़ दो साल का है या एक साल का मिनिमम है तो यहाँ पे आप निम्निंग कर सकते हैं एक कंटिन पैटर्न है जहाँ पे एक तीन दो तीन साल के कं, कंस्ट्रक्शन के बाद में स्टॉक निकला उसने एक रिटेस्ट किया छह सौ तीस पे और अभी जो है प्रीवियस हाई जो है उसके आसपास में ट्रेड कर सवा आठ सौ पे थे वो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है बट अगर आप कहें कि मैं ये दो महीने के लिए नजरिया रखू तो मैं कहूंगा नहीं फॉरवर्ड कीजिए किसी का अगर नजरिया एक साल का है तो यहाँ से स्ट्रक्चर खराब नहीं है यहाँ पे बाय किया सकते हैं ओके okay, इंटरेस्टिंग है और अच्छा अब एक सवाल लेते हैं दिनेश कुशवाहा का नासिक से जुड़ना रहे मेरे साथ दिनेश जी क्या सवाल है गुड मॉर्निंग सर जी गुड मॉर्निंग सर मेरे पास मैं टाटा स्टील बाय है सर एक हजार था क्वान्टिटी एक सौ नौ रुपए की प्राइस से और पांच से छह महीने का व्यू है सर उसका और एक मेरे पास आदानी पावर है व्यू तो है सर होल्डिंग का ओके टाटा स्टील में क्या करना चाहिए छह महीने के लिए 109 की बाइंग है इनकी देखिए टाटा स्टील एक दायरे में ट्रेड कर रहा है जहां पे सौ रुपए के अच्छे सपोर्ट्स हैं और एक सौ रुपए काफी अच्छा हडल आ रहा है अगर आप इसके चार्ट्स देखें डेली या वीकली तो एक फॉलिंग ट्रेडलाइन का हडल है वो भी इसका आ रहा है तकरीबन 120 के यहाँ पे तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं लेकिन एक मैं बहुत अग्रेसिवली यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ मुझे थोड़ा सा पे प्रॉफिट बुकिंग का ऐसा नजर आ रहा है मेटल स्पेस में एक दो महीने के लिए मैं इसमें बुलिश बिल्कुल नहीं रहूंगा लेकिन आप इसमें बने रह सकते हैं आपका जो स्टॉपर्स वो सौ तो रुपए का होगा और ये अच्छा अडानी अधा पावर में कोई व्यू दे पाएंगे आप क्योंकि बहुत ही न्यूज है ये बिल्कुल तो जैसे हम मैंने मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा हम ये ये समूह से या ये रिलेटेड स्टॉक से हम लोग फिलहाल अवॉइड करें अगेन खराबी नहीं लग रही है बट वोलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं कहूँगा खराब भी नहीं है अच्छा भी नहीं है रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं दिक्कत इसमें ज्यादा इसमें लग नहीं रही है आपको स्टॉकों से, से रखने पड़ेंगे वन सेवन फाइव वन एटी के होगा एक बाउंस आपको देखने मिल सकते हैं ओके एक बाउंस देखने को मिल सकता है लेकिन ये ये ग्रुप में जो कि न्यूज़ ड्रीवन बहुत ज़्यादा है इसलिए कोई कॉल सर्टेनिटी के साथ देना बड़ा मुश्किल है तो बीरेश्वर पॉल का एक सवाल है इन्होंने एस आर एफ के शेयर खरीदे हैं फ्यूचर्स में सत्ताईस सौ रुपये वाले कॉल ऑप्शन लिया इन्होंने सत्ताईस सौ का स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन है अट्ठारह रुपये का टारगेट फिफ्टी पॉसिबल है क्या ये एज एस थम रूल जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं कि अगर तीन या चार दिन में अगर आपको बेनिफिट नहीं आता है तो, तो यहाँ पे सपोर्ट्स मैं देख पा रहा हूँ फ्यूचर्स में पच्चीस सौ सत्तर रुपए के लिए, अगर मैं मैं मैं। तो की आ रहे हैं जो मुझे लगा है। तो आप उसके स्टॉक ट्वेंटी फर्स्ट सेवेंटी के तो आप अपने एग्जिट कर सकते हैं आपकी राय चाहिए नतीजे तो काफ़ी कमज़ोर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है इनकी इम्पैक्ट हुआ है क्या लगता है आपको रेन इंडस्ट्रीज़ में क्या व्यू बन रहा है देखिए ऑफ अगर आप रेंज के चार्ट देखेंगे तो बहुत उत्साहजनक कहा जाए वैसा नहीं है डेली चार्ज पे लोअर टॉप लोअर वर्ड का सिलसिला शुरू है यहाँ पे जब तक एटलीस्ट वन सेवेंटी का क्लोजिंग नहीं आती है एटलीस्ट एक दो या तीन दिन की मैं यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव फिलहाल नहीं रहूंगा प्रीवियस स्विंग लो जो उसका था वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फाइव का उसका ये ऊपर ट्रेड कर रहा है तो एक रेंज में ट्रेड करेगा एट द बेस्ट बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री ओवर देना चाहिए अगर किसी ने लिया है तो उसके जो स्टॉप लॉस है वो वन फोर्टी फोर का होगा Okay, ये राय बनी। और एक राय अपोलो टाय दिन का आ, काफी पे था। क्या ये जितनी रैली बनी थी इस उम्मीद में बहुत अच्छा ये वाइप आउट क्या? और गिरेगा ये अभी देखिए बहुत ज्यादा गिरे ये मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी लेकिन चूंकि स्टॉक है पांच छह हफ्ते से एक के बाद

और आरती इंडस्ट्रीज टॉप लूजर है आठ परसेंट नीचे 517 सौ सत्रह पे आ गया चौवालीस पैतालीस रुपए क्या अभी ये जो फॉल है ये एक बार जा सकती है फोर एटी के करीब और उसके नीचे का जाता है तो और दिक्कतें इसके लिए बढ़ सकती हैं फिर स्टॉक जो है वो गिर के चार सौ तीस तक के भी दिखा सकता है तो यहाँ पे आ सत्ता है प्रेशर लेकिन मैं फ्रेश शॉर्ट की सलाह दूंगा अगर आप इसके चार्ट अगर देखिए तो आपके जो स्टॉपर से थोड़े तो डीप आएंगे ब्रेकआउट के जो लेवल्स थे वो फाइव सिक्सटी फाइव के थे तो मैं उसको स्टॉपर का फिर डीप हो जाएगा लेकिन यहाँ से जो करंट फॉल है ये एक बार यहाँ से और बीस तीस हो जा सकती है तो ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत-बहुत शुक्रिया आप मदद करने के लिए दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है की कोई भी निवेश निर्णय लेने ऐसी पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें